हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अरविंद सिंह, और इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईआईटी गुवाहाटी से एमटेक किया है, और उसके बाद देवाशीष हम दोनों ना साथ में पढ़ते थे, तो मैं पीआईटी में था तो ये एमटेक में थे। उसके बाद वो वहाँ से पास हुए, और उसके बाद करेंटली अभी ये फैकल्टी हैं कोचिंग इंडस्ट्री में, कोचिंग सेंटर में। तो वो वहां से यहाँ तक का सफर इन्होंने कैसे किया, और बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनको टीचिंग का बहुत शौक है। इसमें सैलरी बहुत अच्छा है, वर्क इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, करियर ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। तो बहुत सारी जानकारी इनके पास है, तो आज हम लोग ये जानेंगे और सीखेंगे, और उन लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो जो एस्पिरेंट्स फील्ड में आना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए और सीखिए। सो चलिए चालू करते हैं। हाँ, तो थैंक यू डॉक्टर मंजेश सर एंड कलीग्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर टू इंटरेक्ट विथ यू। एक्चुअली आई एम अरविंद सिंह, आई एम फ्रॉम रीवा मध्य प्रदेश, एंड आई डिड माई स्कूलिंग इन इंदौर। आल्सो आई डिड माई ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंदौर, मेडिकैप्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड आफ्टर दैट आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी इन मैकेनिकल बैकग्राउंड। आफ्टर दैट आई रियली वॉन्ट टू डू इन टीचिंग, सो आफ्टर दैट आई विल गो टू द टीचिंग फील्ड, एक्चुअली आईआईटी कोचिंग इंडस्ट्री। करंटली आई एम वर्किंग एज ए आई आई टी जेई मैथमेटिक्स फैकल्टी इन मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कोटा। अरविंद, ये खासकर ये जो इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्रिशियल है उनके लिए जो मतलब कि इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप ना ये पूरा डिटेल में ये बताइए कि ये क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब जो जाना चाहते हैं इस फील्ड में, जिनको बहुत मन है तो वो कैसे जाएंगे इसमें? देखो, जिनको मतलब कि आईआईटी जेई की कोचिंग इंडस्ट्री में जाना है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट तो ये है कि उनको किसी एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि अब जैसे मान के लो कोई नीट नीट के अंदर जा सकता है या फिर जेई के अंदर जा सकता है। अब जैसे जेई की बात करो, जेई में तीन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे पास मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो इन तीनों सब्जेक्ट में किसी एक का तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर मान लो किसी ने आईआईटी जेई क्रैक किया है, जो आईआईटी के स्टूडेंट होते हैं और आईटी के स्टूडेंट होते हैं, वो इजिली इस फील्ड के अंदर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आईटी जेई क्रैक किया होगा, एनआईटी में भी आजकल आईटी मेंस क्रैक किया होगा, तो उनको तो तीनों सब्जेक्ट का नॉलेज होगा। तो किसी एक सब्जेक्ट में हमें मास्टरी करनी पड़ती है। मान चलो जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मेरे मैथमेटिक्स है, तो मैथ्स का कंप्लीट 11th 12th जो जेई नीट और जेई एडवांस में हम लोग पढ़ा, जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए जो हम प्रिपेयर करते हैं, तो वो कंप्लीट हमें आना चाहिए। वो कंप्लीट आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, किसी कोचिंग इंडस्ट्री में अप्लाई करना पड़ेगा। कोचिंग इंडस्ट्री का सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा होता है कि एक बार आपने उनको अप्लाई किया तो वो आपका क्या लेंगे, रिटर्न लेंगे। रिटर्न में आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक किया जाएगा। अगर आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है तो आपको फिर नेक्स्ट प्रोसेस होती है डेमो की। डेमो की यह है कि हो सकता है आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज हो पर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट नॉलेज के साथ आप बच्चों से कैसे इंटरेक्ट कर पा रहे हो, जो आपको आता है वो बच्चों को डिलीवर करना है। तो एज ए फैकल्टी आईटी जेई के अंदर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए जो भी आप समझा रहे हो। तो रिटर्न होगा, डेमो होगा, डेमो में आपसे देखा जाएगा कि आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट नॉलेज। वो होने के बाद एक आता है इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू प्रोसेस में आपसे ये स्किल चेक की जाएगी कि अगर बच्चे ने कुछ पूछा तो वो तो आप बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि बच्चों के डाउट तो कैसे भी आ सकते हैं कि सर आप कुछ आता है तो उसमें कुछ अलग से आ गया, सर ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाए। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरव्यू के अंदर आपकी ये वाली स्किल भी चेक की जा सकती है। तो रिटर्न, डेमो, इंटरव्यू होने के बाद ही आपको उस कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर एज ए फैकल्टी या फिर आप डाउट काउंटर या फिर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बहुत सारे अलग अलग चीज होती है आजकल कोचिंग इंडस्ट्री में, उसके अंदर आप इंटर हो सकते हैं। अच्छा अरविंद, ये बताइए कि जैसे कि अगर किसी को मोशन एजुकेशन जैसे आप जिसमें है उसमें जाना है, तो सबसे हाँ पहले वो उसके वेबसाइट पे जाएगा,
कैसे अप्लाई करेगा, उसके वेबसाइट पे जाएगा? अप्लाई करना ऐसा होता है कि हर कोचिंग इंडस्ट्री आजकल क्या होती है, अपनी सिलेक्शन प्रोसेस जैसे गवर्नमेंट की एग्जाम की जगह नहीं निकलती है, उसी प्रकार से आपको वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए। मान लो किसी को किस फील्ड में आना ही है, मान लो मैंने एमटेक कर लिया या फिर किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, मुझे कैसी इंडस्ट्री में आना है, तो वो क्या करेगा कि इनकी प्रोफाइल्स होती है एचआर की, मोशन एजुकेटर की वेबसाइट होती है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल्स होती है, तो ये टाइम टू टाइम ऐसे 3-4 महीने में कभी एक वैकेंसी आ गई, कभी कुछ वैकेंसी आ गई, टाइम टू टाइम ये लिंक्डइन पे पोस्ट कर देती है या इंटरनेट पे डाल देते हैं, तो वहां पे हमें अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करते हैं तो वो चेक करते हैं कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है कि नहीं है, इसके लिए एलिजिबल है। एलिजिबल होंगे तो आपको कॉल करते हैं और वो कॉल करके आपको इंटरव्यू की डेट देते हैं, 2 या 3 दिन की रिटर्न इंटरव्यू डेट होती है, वॉक इन इंटरव्यू टाइप का होता है। इसके अंदर क्या होता है, आपको सैटरडे संडे बुलाया जाता है कोटा के मेन सेट सेंटर पे। सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, डेमो होगा, संडे को इंटरव्यू होगा और अगले दिन आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा। ओके, तो ये कहाँ पे, मतलब मेनली जो इसका मेन सेंटर होता है वहां पे आपको जाना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं होता है? ऑनलाइन नहीं होता है, कोविड के टाइम पे ऑनलाइन हुआ था, अभी कुछ टाइम तक 2 साल तक कोविड ऑनलाइन प्रोसेस चली थी, बट जो इन जनरल है, मान लो अब अगले आने वाले साल है तो अगले साल कोई अप्लाई करेगा तो उसको सेंटर पे जाना ही पड़ेगा। तो कुछ कुछ चीजें ऑनलाइन हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए चलो अगर नंबर ऑफ प्रोसेस ज्यादा आ गया, जैसे कि मैंने मोशन एजुकेशन का हूँ, मैंने आपको मैंने एडवर्टाइजमेंट डाला, अब मेरे का जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो कम आएंगे तो जो हमारा रिटर्न होगा वो वहां पे होगा। अब मान लो नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आ गए, जैसे कि और भी कोचिंग इंडस्ट्री है जैसे कि एलएन हो गया, पीडब्ल्यू हो गया, आकाश हो गया, तो इनके जो रिटर्न होते हैं वो ऑनलाइन भी हो सकते हैं, कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हुए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आ सकते हैं, बट आपको डेमो और इंटरव्यू सेंटर में ही हो सकता है, देना जाना पड़ेगा। किसी किसी का अलग अलग भी हो सकता है, जैसे चलो मोशन का हुआ तो मोशन के हेड पे जाना पड़ेगा कोटा का, एलएन का हुआ तो एलएन के उसमें जाना पड़ेगा, ऐसा भी होता है। बट आजकल तो इंटरव्यू प्रोसेस हर पूरे इंडिया में हो रहे हैं, तो क्या होता है अलग अलग जोन डिवाइडेड है हर कोचिंग का। अब जैसे मुंबई वाला है तो मुंबई वाले जोन में जाके दे सकता है, नॉर्थ वाला है नॉर्थ वाले जोन में जाके देगा, तो हर जोन के अब अलग अलग सेंटर है, आकाश के अलग अलग सेंटर हो गए, भी अलग अलग वॉक इन इंटरव्यू सेंटर्स हो गए और एलएन के भी अलग अलग जगह वॉक इन इंटरव्यू हो सकते, बट हाँ किसी एक सेंटर पे जाके डेमो और इंटरव्यू देना पड़ेगा। और ऑनलाइन प्रोसेस अभी तक हो रही थी कोविड के, अभी तक चल रहा था 1-2 साल, अभी जो पिछला 2 साल था वहाँ पे ऑनलाइन चल रहा था, बट ये अब धीरे धीरे वो ऑनलाइन हट जाएगा, ऑफलाइन में आ जाएगा। इनकेस मान लो बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है तो कुछ एक सेंटर्स वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते, दोनों चलता है। If somebody wants to apply for more than one subject, is it possible for them? No, no, it is not possible. Actually, it is possible कि अगर मान लो केमिस्ट्री वाला है तो केमिस्ट्री वाला फुल केमिस्ट्री के लिए भी अप्लाई कर सकता है, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के लिए भी अप्लाई कर सकता है, केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के लिए हो सकता है। दो सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते, बट एक सब्जेक्ट का भी तुम 3 टॉपिक में बांट के पढ़ा सकते हो, जैसे मैथ्स वाला हो गया, तो अब क्या होता है कि कोई बहुत बड़ी कोचिंग है तो वहाँ पे किस सेंटर पे बहुत ज्यादा बच्चे हैं, तो किस स्पेशलाइजेशन भी चुन सकते हो कि भाई मैथ्स का मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, मैथ्स का मैं कैलकुलस पढ़ाऊंगा, मैथ्स का मैं वेक्टर पार्ट पढ़ाऊंगा, तो उसमें भी सब टॉपिक हो सकता है, बट दो सब्जेक्ट तो पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं पढ़ा पाएगा। अच्छा अरविंद, जैसे कि अगर किसी को आपने जैसे बोला कि 3 राउंड होता है, पहले तो रिटेन होता है, फिर डेमो होता है, इंटरव्यू, जनरल प्रोसेस यही है, ठीक है? और वो जाकर उसका समय समय पे चेक करना है, वहाँ वेबसाइट पे चाहे लिंक्डइन पे ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, तो ये आपका प्रोसेस आपने बताया। लेकिन ये बात आता है कि जो डेमो होता है, जो इंटरव्यू होता है, वो कैसा होता है, उसको जरा थोड़ा सा बताइए आप। अच्छा, डेमो और इंटरव्यू कैसा होता है? देखो, रिटर्न के लिए तो जो आपका जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स जो आते हैं मेंस के और एडवांस के, वही क्वेश्चन पेपर्स और उसी लेवल के ही क्वेश्चन पेपर फैकल्टी को दिए जाते हैं, उससे थोड़ा सा हाई हो सकते हैं, थोड़ा सा कम हो सकते हैं, मिक्स्ड होते हैं। तो मेंस और एडवांस के जो पेपर्स होते हैं जैसे बच्चों को आते हैं वैसे आपको ही आएंगे, अगर जो बच्चे ने क्रैक किया तो आपको भी क्रैक करना पड़ेगा ऐसा। डेमो में ये होता है कि आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, मान लो मैं मैथ्स हूँ, ठीक है, मैथ्स का मैं कोई एक टॉपिक लेके गया कि जैसे मैं वेक्टर टॉपिक लेके गया, तो वेक्टर का ही मुझे 15 से 20 मिनट या आधा घंटा 45 मिनट, वेरी करता है अलग अलग कोचिंग कि कितने हमें डेमो देना है, तो आधा घंटा दिया, 1 घंटा दिया। कभी कभी क्या होता है डेमो प्लस इंटरव्यू दोनों हो जाते हैं, टीचर सामने बैठे रहते हैं, आपने डेमो दिया, आधा घंटा पढ़ाया,
एक घंटा 45 मिनट पढ़ाया और फिर उसके बाद होती है क्रॉस क्वेश्चन, वही हमारा इंटरव्यू में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी अलग भी होता है, कभी कभी एक साथ भी हो जाता है, तो डेमो और इंटरव्यू एक साथ भी हो जाता है। तो वहीं पे अगर टीचर भी बैठे हैं तो उस सब्जेक्ट का जिस मेनली क्या होता है कि जिस जिस टॉपिक का आपने डेमो दिया है, तो इंटरव्यूअर क्या क्या बोलते हैं कि चलो ठीक है आपको, अगर फ्रेशर्स हो, दो तरीके के होते हैं इंटर, एक होता है फ्रेशर्स और एक होता है एक्सपीरियंस। अगर मैं पहले बताता हूँ फ्रेशर्स के लिए क्या होता है, अगर आप फ्रेशर्स हो, फ्रेशर्स हो मतलब आपने पढ़ाया नहीं है, तो आपसे बोला जाएगा चलो अच्छा ये बताओ कि तुमने तैयारी की है तो कोई अपना फेवरेट टॉपिक बता दो। तो उसने दो तीन टॉपिक बता दिए, सर मेरा वेक्टर अच्छा है, कैलकुलस अच्छा है, ज्योमेट्री अच्छी है, तो उसका तुम्हें डीप नॉलेज होना चाहिए। तो उसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर देने, मान लो मैंने वेक्टर पूछा तो वेक्टर का कोई एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने कैलकुलस बोला तो कैलकुलस से क्वेश्चन दे दिए, तो कैलकुलस से क्वेश्चन हमसे कब पूछ लिए जाएंगे। अगर आप फ्रेशर्स हो तो 100% में कम से कम 60-70% तक आप बोलोगे तो चल जाए कि हाँ सर ये इतना हमें टॉपिक अभी आता है, इस टॉपिक पे अभी इतनी कमांड नहीं है, तो धीरे धीरे हो जाए। तो उन बच्चों को जो फ्रेशर्स होते हैं उनको सेलेक्ट करके बैठा देते हैं डाउट काउंटर पे, डाउट काउंटर पे या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पे। डाउट काउंटर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ये होता है कि तुमको डायरेक्ट क्लास नहीं दी जा रही, ऐसा हुआ कि जैसे ये टॉपिक चल रहा है कोई टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे क्या होता है डाउट डाउट लेके आते हैं, तो टीचर अवेलेबल नहीं रहता तो तुम्हारे पास आए, तो वो जो टॉपिक है वो ये है तो वो आपको करना पड़ेगा। और भी इसके अंदर ऐसे काम होते हैं जैसे कि मॉड्यूल चेक करना, मॉड्यूल्स बनाना, मॉड्यूल्स के सब्जेक्ट चेक करना, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन को लगाना, डीपीपी के क्वेश्चन को लगाना, डीपीपी क्वेश्चन को बनाना, क्योंकि नॉलेज तो है कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये उसमें है, ये क्वेश्चन आना चाहिए बच्चों को, ये क्वेश्चन हमें देना है, तो ये सारे काम भी पहले आपको दिए जाएंगे। अच्छा जिस वजह से एकदम परफेक्ट हो जाओगे तो आपको एक साल बाद या 6 महीने बाद फैकल्टी के अंदर प्रमोट हो जाते हैं। ये होता है फ्रेशर्स। अभी आता है एक्सपीरियंस वालों। एक्सपीरियंस के अंदर क्या होता है कि आपसे कंप्लीट सब्जेक्ट का इंटरव्यू होगा, वो थोड़ा लंबा चलता है, 1 घंटा 1.5 घंटे का भी चल सकता है। सारे सब पूरा जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर सारे क्वेश्चन आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग किए जाएंगे, और अगर आप वो क्लियर कर लेते हो तो डायरेक्ट आपको फैकल्टी के पोजिशन पे दे दिया जाए। ठीक है अरविंद, आपने तो जो जो सवाल का है सारा डाउट आप अभी तक आपने क्लियर किया, अच्छे से सारे चीज को एक्सप्लेन किया, लेकिन आपने बताया भी कि इंटरव्यू प्रोसेस में मतलब कि जो फ्रेशर्स है उनके लिए थोड़ा इजी है, क्योंकि अगर कुछ ही आप नहीं जानते हैं तो पहले तो आपने बताया कि उसको पहले डाउट काउंटर पे बैठा देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इस सब में चीज में उनका रोल होता है, शुरू में 6 महीने बाद उनको फैकल्टी का रोल मिलता है 6 या साल भर के बाद। तो लेकिन फिर भी जो फ्रेशर्स के लिए होता है, खासकर फ्रेशर्स के लिए मैं पूछ रहा हूं, इंटरव्यू प्रोसेस का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, मतलब कैसा सवाल है? एक बात मैं बताता हूं, फ्रेशर्स के लिए आजकल ये लोग चलाते हैं एक फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, FTP प्रोग्राम, हर कोचिंग चला रहा है, जैसे कि आकाश LN चलाता है, PW चलाता है, मोशन भी चलाता है। FTP के अंदर क्या होती है, साल में 2 बार वैकेंसी निकालते हैं फ्रेशर्स के लिए स्पेशली, हम बताते हैं। तो फ्रेशर्स FTP प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि आपको बिल्कुल नॉलेज ना हो ऐसा भी नहीं होता, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि हाँ मैं अगर मैंने सब्जेक्ट मैथ्स लिया है तो मैथ्स का मुझे बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो अगर बेसिक नॉलेज है, 2-3 टॉपिक पता हो, थोड़ा बहुत पढ़ा पा रहे हैं, क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पा रहे हैं, एडवांस तक के ना भी कर पा रहे तो कोई बात नहीं, पर मेंस के जो नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जो हम 11th 12th में तो आता ही है, जो इतना हम लोग जानते हैं, तो 11th 12th वाले तो क्वेश्चन हमको आने चाहिए, और अपने का बैकग्राउंड होना चाहिए, आपने क्लियर किया है कुछ NIT से हो, IIT से हो, अगर ना भी हो नॉर्मल कॉलेज से हो तो भी आप आ सकते हो, आपको बस नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की। तो इस नॉलेज के सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका रिटर्न होता है, नॉर्मल रिटर्न होता है, एक पर्टिकुलर होता है, और उसके बाद डेमो होता है। डेमो भी अगर आपको पढ़ा पा रहे हो, अगर मान लो आप पढ़ाने जा रहे हो तो पढ़ा पा रहे हो ना, रिजेक्शन नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए पढ़ाते समय, बस वही चाहिए होता है। और इंटरव्यू, इंटरव्यू एकदम नॉर्मल होता है, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद ये लोग रखते हैं आपको FTP प्रोग्राम के, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम। फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वेरी करता है, ये एक्चुअली 6 मंथ का बोलते हैं, बट 3 से 6 मंथ के बीच में होता है। इसके अंदर क्या होगा कि कोचिंग वाले आपको पूरा अपना जो मॉड्यूल होगा वो दे देंगे और उनका शेड्यूल बना, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चों को एक साल में 3 सब्जेक्ट पढ़ने, यहाँ पे हमें 3 महीने के अंदर तो कोई एक सब्जेक्ट, जैसे आप मैं मैथ्स वाला हूँ तो मैथ्स पढ़ूंगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री पढ़ेगा, फिजिक्स वाला तो फिजिक्स पढ़ेगा। तो 3 महीने के अंदर उनका पूरा मॉड्यूल, उस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस, और वो बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछते, टेस्ट भी लिया जाता है कि हाँ आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो,
हफ्ते दो हफ्ते में हर दो सब्जेक्ट का, दो टॉपिक का, फिर दो टॉपिक का, फिर दो टॉपिक का, 3 महीने के अंदर आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा और 3 महीने के बाद एक फिर फाइनल टेस्ट होगा। अब वो फाइनल टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आप पूरे नॉलेजेबल हो गए हो, आप फैकल्टी के लिए तैयार हो गए हो, तो फ्रेशर के लिए ये प्रोग्राम होता है। ओके, सो प्रोसेस है, हमेशा टेस्ट से आपको गुजरना पड़ता है। हाँ, एक बार आप आईएसएफ सिलेक्शन करने जाओगे तब भी आपको टेस्ट देना है, और अगर आपके टेस्ट का सिलेक्शन हो गया है तो भी आपको मॉनिटर किया जाएगा कि हर ये दो टॉपिक किया है तो दो टॉपिक में कितने नंबर है, फिर दो टॉपिक अगर कुछ कहीं पे कमजोर हो गए तो आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, तभी तो आप बच्चों को कर पाओगे ना फैकल्टी। हाँ, आई एम करंटली वर्किंग एज ए फैकल्टी स्पेशली इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इसके लिए होनी चाहिए आपको कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। क्या होता है, जैसे कि मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है कि आपको पूरी मेथड्स पता होनी चाहिए कि हाँ ये ऐसा क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और कुछ बेसिक स्टेप ऐसी भी हो सकती है, कुछ हमें एज ए मैथमेटिक्स की बात है कि मान लो कोई बहुत लंबा क्वेश्चन जा रहा है, जैसे इन्हें फॉर्मूला लगा दिया तो बहुत लंबा, क्योंकि आजकल पता है कि टाइमिंग का इशू होता है, एग्जाम दो तो टाइमिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, टाइमिंग का बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 तरीके, 5 तरीके, 6 तरीके भी हो सकते हैं, तो मैथ एज ए फैकल्टी आपको ये बताना पड़ेगा बच्चों को इस प्रोसेस से करोगे तो जल्दी बन जाएगा। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ट्रिक लगानी है तो इस ट्रिक से भी कर सकते हो, इसको सॉल्व कर से किया जाता है इन द टाइम पे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हमने 10 क्वेश्चन दिया सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहो बच्चों को, नहीं, वही 10 क्वेश्चन तुमको 15 मिनट में लगाने हैं। तो एज ए फैकल्टी स्किल आपको ये भी समझाना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, और सॉल्व करने के साथ साथ एग्जैक्ट और एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब ये नहीं कि आपने एक बार किया तो गलत हो गया, नहीं, चलो दोबारा ट्राई, एक बार में कैसे आना है आंसर, और वो भी किस दिन टाइम, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट के अंदर कैसे। हाँ, ये तो कंपटीशन अभी तो गेट का भी देते हैं हम लोग, जेई का भी, तो टाइम फ्रेम तो लिमिट है, आपको उस लिमिट टाइम फ्रेम में आपको सॉल्व करना है, एक्यूरेसी होना चाहिए। हाँ, तो कितना तरीका से, कितना मतलब सबसे आसान तरीका से और सबसे एक्यूरेट वे में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ये एक फैकल्टी को ये जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को बताइए सबसे आसान वे और सबसे कम टाइम में एक्यूरेट वे में सॉल्व करना, ये टाइम ऑप्टिमाइजेशन जिसको आप बोल सकते हैं। ओके, अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है देवाशीष, ये भी जानने के लिए भी, क्योंकि ये तो एक्सपीरियंस का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे आपको फ्रेशर्स में ज्वाइन किया कुछ है, तो एवरेज सैलरी पैकेज क्या होता है उसमें, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। अगर अगर किसी ने फ्रेशर्स में ज्वाइन किया है तो फ्रेशर्स की एवरेज सैलरी 7 से 8 लाख से स्टार्ट होती है, 7 से 8 से स्टार्ट होती है, अभी करंटली 60-70 कोई कोचिंग देता है, तो एवरेज सैलरी 6-7-8 इसके बीच में रहती है फ्रेशर्स की, जो बस स्टार्ट किया है। अच्छा, ये मैंने सुना है ये अरविंद की, जैसे कि 7-8 LPA, हाँ LPA, वो हाँ LPA 7-8 लाख पर एनम, ये मैंने सुना है कि जैसे मान लीजिए 1 साल एक्सपीरियंस हो गया तो वो सैलरी दुगना हो जाता बहुत जल्दी, ऐसा है क्या? बहुत जल्दी दुगना नहीं होता है, क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास बहुत ही अच्छी स्किल है तो हो सकता है दुगना हो सकता है, पर जो नॉर्मल है उसमें यही रहता है कि एक बार आपका एक्सपीरियंस हो गया, ये हो गया थोड़ा बहुत, तो आपका 10 LPA से स्टार्ट हो जाता है, 9-10 LPA से। अच्छा, एक मेरे स्टार्ट होते होते आप जहां तक ले जाना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, माल अभी तो स्टार फैकल्टी सिस्टम चला हुआ है, स्टार टीचर्स का जो ब्रांड है वो चला हुआ है, तो अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि मोशन एजुकेशन में सबसे स्टार टीचर होंगे तो उनका क्या होगा, मतलब ऐसी जानकारी के क्या हो सकता है पैकेज कुछ अंदाजा? एग्जैक्ट तो हमें एग्जैक्ट तो कभी किसी कोई पता नहीं है, बट फिर भी अगर कोई बहुत ही अच्छा फैकल्टी है तो 25-30-35 LPA तो आराम से होता है हम लोग। ओके ओके, व्यूअर्स विल आल्सो लाइक टू नो दैट हाउ इज द वर्कलोड, वर्कलोड, वर्क कल्चर, टाइमिंग। वर्कलोड 9 आवर्स का वर्क होता है इस कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर,
और वर्कलोड ऐसा होता है कि आपको मिनिमम 3, 4 या 5 क्लासेस मिल सकती है 1 1/2 आवर की। तो टीचिंग आवर्स मान के लिए 6 आवर्स का आपका होता है जनरली, जो एवरेज है हर जगह कोचिंग सेशन का। तो 6 आवर्स आपका कोचिंग टाइम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं देते कोई भी। 9 आवर्स में 1 घंटे का आप लंच ब्रेक मान लो, तो 8 आवर्स की वर्किंग ड्यूटी के अंदर 6 आवर्स मैक्सिमम हो सकता है, उससे कम भी होता है, 4 आवर 5 आवर्स चल हो सकता मैक्सिमम 6 आवर, मतलब उतना देर आपको क्लास लेना है, क्लास लेना मतलब मैक्सिमम आपको क्लास इतनी ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा उसके नहीं ज्यादा हो नहीं सकती दे, है। तब तो सही है, हाँ वो तो हाँ डिपेंड करता है। हाँ और उसमें जो बचे हुए मान के चलो आपको 4-3 ही क्लास दी है, तो उसके अलावा आपको डाउट काउंटर में बैठा सकते हैं कि बच्चे को डाउट आएगा तो सॉल्व करो। और ये एक जैसे कि आप ये भी एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप अभी अभी तो बिलासपुर में है, तो ये आपका ना ट्रांसफर भी होते रहता है क्या इस कोचिंग से सेंटर से उस हाँ सेंटर? कोचिंग अब हर आजकल तो बहुत सारी कोचिंग है, बट जैसे मैं मोशन एजुकेशन की बात करूँ तो मोशन के 60 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया, तो इनके 60 सेंटर्स होते हैं। तो मान लो कहीं पे एक सेंटर पे चले गए आप, तो कंप्लीट सेशन तो करना ही पड़ता है। सेशन के बाद आप उनको बोल सकते हो नहीं सर हमको यहाँ नहीं कहीं और मिल, तो वो रिलोकेट भी करते रहते हैं कि आपको इस सेंटर से वो ओ सेंटर, हर कोचिंग का है, जो बाकी कोचिंग है वो भी ऐसे ही करते हैं, एक सेंटर दूसरे सेंटर आपको रिलोकेट कर सकते, नहीं भी करना हो तो भी रह भी सकते हो, रिलोकेट करना हो तो रिलोकेट। हाँ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यू। अच्छा अरविंद, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर जो एस्पिरेंट्स है देवासी से, वो भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो जॉब सिक्योरिटी है ना, जॉब सिक्योरिटी कैसा है, क्योंकि और करियर ग्रोथ दोनों, मतलब कि जो पढ़ा रहे थे उनको लगे ना कि कुछ दिन बाद हमको निकाल ना दे, अरे जॉब सिक्योरिटी कैसा है उसमें? देखो जॉब सिक्योरिटी तो ऐसा है कि खुद पे डिपेंड करती है, कोचिंग पे डिपेंड नहीं करती, खुद पे डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे कोई ये सरकारी जॉब तो है नहीं कि मान के चलो अब तुम पढ़ा पा रहे हो तो आपको रखे ही रहेंगे, नहीं, अगर अच्छी आप बात पढ़ा बोल पा रहे हो और डिलीवर कर पा रहे हो तो आपकी जॉब सिक्योरिटी है, और अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो डिलीवर तो फिर आपकी उतनी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो बस ये खुद पे है कि अगर आप पढ़ा पा रहे हो, आपको सब्जेक्ट नॉलेज है, तो जॉब सिक्योरिटी है ये वाले कोचिंग, नहीं तो कोई दूसरी कोचिंग, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी, हजारों कोचिंग से एक से तीन के अंदर आएगी। करियर तो ग्रोथ ऐसा है मतलब कि बहुत। हाँ कैरियर ग्रोथ तो देखो ऐसा है कि इसके अंदर की एवरेज सैलरी पैकेज जो बाकी जो से है उनसे तो बहुत ही अच्छा है, पैसों की तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि नहीं बहुत ही कम मिल रहा है, नहीं उतना तो है ही एवरेज कि इतना तो कहीं भी जाओगे तो इतना से स्टार्टिंग होगी, और फिर ग्रोथ अपने ऊपर डिपेंड करती है। अगर तुम बहुत ही अच्छे हो गए, फेमस स्टार हो गए, बहुत ही मतलब बच्चे आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, तो सैलरी कितनी कोई एक्सपेक्टेशन वो है ही नहीं, कितने भी मिल सकते जितना हैं। जितना भी मांगो उतना मिल सकता है, क्योंकि बच्चा भी तो बहुत है हाँ एस्पिरेंट्स, और नीट जेई का हाँ अगर नीट का आप देखो हाँ ना, तो 16 लाख शायद इस साल था 2021 में, हाँ और 8 या 9 लाख इसमें था आपका जेई में, तो टोटल तो 20 मिला के 20 लाख बच्चे भरते हैं, 20 लाख हाँ 20 लाख अप्रोक्स, आप हर साल। मिनिमम हम बात कर रहे हैं दोनों मिला के। हाँ अच्छा ये अरविंद, ये आप तो आपने बीटेक किया, एमटेक किया, मैकेनिकल है, तो हम तो हाँ आपका तो ये चेंज ही हो गया, हाँ आपका तो ये करियर प्रोस्पेक्ट ही चेंज हो गया, तो फिर भी आप ये बता सकते हैं कि क्या स्कोप है बीटेक में, मतलब इंडस्ट्री में जाएगा, कोचिंग में जाएगा, इसके अलावा क्या स्कोप दिखता है आपको अभी मैकेनिकल में? मेरे इस वाली फील्ड में तो बहुत स्कोप है, क्योंकि बहुत बच स्कोप है। कोई कोई मान के चलो मैकेनिकल बच भी मतलब कम हो जाए बच्चे, बट इसके अंदर कम नहीं हो सकते ना, इसके अरे अंदर तो मैकेनिकल वाला है, इलेक्ट्रिकल वाला है, आईटी वाला है, वाला इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, सारे है, डॉक्टर्स भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो वो भी पढ़ते हैं, नीट वाले भी हैं सारे, तो कोई भी बंद हो जाए पर ये तो चालू ही रहेगी कुछ ना कुछ, चालू ही आईटी रहेगा, जेईई और नीट जो डॉक्टर्स के लिए है वो तो चालू ही रहेगी, ये तो ज्यादा बढ़ती ही मुझे जा तो रही है लग धीरे धीरे ज्यादा ही धीरे धीरे सिक्योरिटी बढ़ती है ही जा इसमें। रही है। हाँ इसमें धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। और ज्यादा स्कोप भी दिखता है, खासकर मुझे भी ऐसा ही हाँ लगता है, ज्यादा स्कोप है, क्योंकि अरे हाँ जिसको बीटेक इंजीनियरिंग में आना है तो वो तो 12th पास करके ही आएगा ना, वो तो अब जो हाँ और मेडिकल अब में जाएगा तो तुरंत हाँ पास करेगा, या पढ़ेगा मैथ, पढ़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री, पढ़ना ही पढ़ना उसको। हाँ तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि आईटी जेई के अंदर आप आईटी में एडमिशन ले सकते हो, एनआईटी में ले सकते हो, अब जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज में आईआईटी और एनआईटी से भी ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इतना पता है, वो भी अब जेई मेंस के बेसिस पे अब लेते हैं एग्जाम, पहले क्या होता था वो अलग अलग एग्जाम लेते थे, अब वो भी जेई मेंस के बेसिस पे लेते हैं, जेई मेंस की बच्चा अब तैयारी करने ही जाएगा ना,
इसलिए सब और कोचिंग और बच्चे हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। ओके So you have now already working in as a faculty position there. So what is your future plan? You want to continue with this job or you want to go for higher studies or any? You want to shift? वाह क्या चलना चाहते मैं अभी इसी में ही इसी फील्ड में ही रहूंगा मतलब अब यही मेरा गोल हो गया यही मेरा फ्यूचर प्लान है कि आईटी जेई की फैकल्टी ही बनना है बने रहना है और यही करते रहना फ्यूचर में यही करना है पढ़ाना यही है हो सकता है कुछ कोचिंग चेंज हो जाए या हो सकता है कुछ और हो जाए मैं अपनी कोचिंग डालू वो अलग चीज है बट लेकिन फैकल्टी ही रहना है इलेवन ट्वेल्थ जेई और नीट का तैयारी करवाना है आपको ओके चेंज होने का हो सकता है कोचिंग ऐसे अच्छा ओके अब अरविंद हम लोग लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और देवाशीष ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग सभी से ये सवाल पूछते हैं क्योंकि बहुत जरूरी भी है क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट हो आप लोग पहले से काम कर चुके हैं एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आप क्या सजेस्ट करो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं ऑलरेडी आपने बहुत इसको बताया है लेकिन फिर भी आपका सजेशन क्या होगा हाँ मेरा सजेशन ये होगा कि अभी जो स्टार्ट करना चाहते हैं मान लो कोई फ्रेशर्स है तो उसको स्टार्ट करने से पहले तो एक अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज करना ये नहीं कि मान लो मेरे को मैथ्स आता है मैं नहीं बोला मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ऐसा तो नहीं हो सकता किसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो मैथ पढ़ाने तो नहीं जाएगा तो उसको आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट चुनना है और उस फेवरेट सब्जेक्ट में अपने सारे सबसे पहला काम क्या करोगे उस सब्जेक्ट का पूरे पर्टिकुलर टॉपिक चूज करो ये टॉपिक हम पढ़ लिया उसका कंप्लीट करने के बाद जेई मेंस के सारे क्वेश्चन जितने भी 20 साल में आए कंप्लीट करो एडवांस से क्वेश्चन लगाओ और वो लगाते लगाते 4-5 टॉपिक धीरे धीरे करके पूरा सब्जेक्ट कम्प्लीट करो आपको सब्जेक्ट नॉलेज तो होना चाहिए मस्ट है उसके बाद आप डेमो में इम्प्रूव कर सकते हो या इंटरव्यू में इम्प्रूव कर सकते हो बट वो इम्प्रूव करने से पहले आपको सब्जेक्ट नॉलेज कम्प्लीट होनी चाहिए तो आपको पूरा एक बार जब आपको सब्जेक्ट नॉलेज हो जाए आधा हो जाए पूरा सब्जेक्ट हो जाए उसके बाद आप जाओ कोचिंग्स के अंदर रिटर्न रिटर्न दो रिटर्न तभी निकलेगा जब आप सब्जेक्ट नॉलेज होगा रिटर्न निकलेगा फिर डेमो दो इंटरव्यू दो तो वो प्रोसेस के अंदर हो सकता है आप फैकल्टी के लिए एलिजिबल हो जाओ और फैकल्टी के लिए एलिजिबल ना भी होगा तो उनके एफटीपी प्रोग्राम के अंदर इंटर हो जाओ एफटीपी प्रोग्राम के अंदर वो 4 महीने आप और ज्यादा पढ़ाई करो और ज्यादा डेमो में इम्प्रूव करो टीचर खुद बताते हैं आपको कि आपका ये थोड़ा वीक है आपकी राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है ये राइटिंग सुधारिए आप अपनी थोड़ी सी अपने जो बोलने का तरीका है वो सुधारिए आई कांटेक्ट बढ़ाइए वो टीचर्स रहते हैं वो बताते हैं अपनी प्रोग्राम के अंदर कम्प्लीट तो वो सारी चीजें जब एक बार हो जाएंगी तो फिर आप फैकल्टी के लिए अवेलेबल हो जाओगे बहुत अच्छा सजेशन दिया आपने और थैंक यू अरविंद आप से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारियां दी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट्स के लिए जो इस फील्ड में खासकर टीचिंग में जैसे आपको इंटरेस्ट था टीचिंग में तो आप इस फील्ड में है वैसे बहुत बच्चों को इंटरेस्ट है जो सीखने सिखाने का जिनको शौक होता है जिनको लगता है कि आज आज हम कुछ सीख गए तो किसी और को सिखा दे तो उस टाइप के जो बंदे हैं जो इस टाइप के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें पूरा डिटेल्ड में जानकारी इन्होंने बताया है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत थैंक यू हमसे इंटरेक्ट करने के लिए थैंक यू सर